पान वार्कअप और आप देख रहे हैं जीके विद पान चैनल। साथियों आज के वीडियो में हम जानेंगे उच्च पद प्रवाह प्रक्रिया विलंब क्यों हो रही है। जैसा कि हमारे बहुत सारे शिष्य साथियों को उत्सुकता है कि उच्च पद प्रवाह की प्रक्रिया शीघ्र ही जारी होगी, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो अभी इसकी विगत एक सप्ताह से इसकी प्रोसेस स्लो हो गई है। स्लो होने का कारण क्या है? तो साथियों ये और दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि जो शेष कैडर हैं उनके उच्च पद प्रभार संबंधी आदेश यानी चयन सूचियां कब जारी होंगी। तो साथियों जैसे कि पहले हम अपडेट के बारे में जानते हैं कि उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया विलंब होने का क्या कारण है। यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि हमारे जो व्याख्याता संवर्ग के जितने भी शिक्षक हैं उनकी अगर बात करें तो वह मंत्री महोदय से मिले और मंत्री महोदय ने उन्हें आश्वस्त किया था कि हाई स्कूल प्राचार्य और हायर सेकेंडरी प्राचार्य का पद एकीकृत किया जाएगा। इसी के तहत जो देखा जाए तो जितने भी जो व्याख्याता हैं उन्हें हायर सेकेंडरी प्राचार्य के पद पर सहमति बनती दिख रही है और इसी पर ही मंथन चल रहा है और संभवतः उन्हें हायर सेकेंडरी प्राचार्य बनाया जा सकता है। रही बात जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं तो उन्हें हाई स्कूल के सभी जो 4600 पद हैं उन पर उच्च पद का प्रभार दिया जा सकता है। तो ये दो बड़ी अपडेट थी। साथ में अगर बात करें तो जो शेष रहे यूडीटी के कब तक उच्च पद प्रभार मिलेंगे जो, तो उससे भी बड़ी अपडेट आ रही है कि इसी सप्ताह के लास्ट तक उनकी भी जो चयन सूचियां जारी होंगी और साथ में जो यूडीटी काउंसिलिंग के माध्यम से स्कूल चयन की है तो उनकी भी शीघ्र ही जो स्कूल अलॉटेड उनके एम शिक्षा मित्र ऐप पर जारी किए जाएंगे। दो बड़ी अपडेट आ रहे हैं, शेष कैडर को अभी इंतजार करना होगा। अब रही बात जो एलडीटी है उनके भी अगले सप्ताह तक आदेश जारी होने की संभावना है। तो साथियों ये थी उच्च पद प्रवाह से संबंधित लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय मध्य प्रदेश।